गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज वर्षा पठारे, वेलकम टू रमेश कॉन्वेंट स्कूल। सेकंड क्लास सब्जेक्ट है आपका हिंदी, चैप्टर है आपका 18, पार्ट का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए, सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा, जानते भी हैं आप। आज़ादी की लड़ाई में जो मुख्य सेनानी के रूप में जो लड़े थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। गांधी जी के साथ भी इन्होंने बहुत सारे ऐसे अभियान किए हैं। देशभक्त, ये बहुत बड़े देशभक्त थे, तो इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ना जानता हो। नेताजी की अमर उपाधि जापान में रहने वाले भारतीय लोगों ने उन्हें दी थी। सबसे पहले जय हिंद का नारा देने वाले नेताजी ही थे। लोग उन्हें बंगाली बाबू के नाम से भी जानते थे। नेताजी को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते समय अंग्रेज अध्यापकों का बर्ताव अच्छा नहीं लगता था। यही कारण था कि उन्हें धीरे धीरे सरकार से घृणा होने लगी। बीए पास करने के बाद उन्होंने आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए विद्यालय भेजा गया। वहाँ भी भारत के लोगों के साथ काले गोरे का भेदभाव देखने के लिए मिला। विद्यालय से आने पर वे कलकत्ता के जिला कलेक्टर बनाए गए, लेकिन उनका मन अंग्रेजी सरकार की नौकरी करने में नहीं लगा। उन्होंने आईसीएस से त्यागपत्र दे दिया। देश गुलाम रहने तक उन्होंने शादी ना करने की भी प्रतिज्ञा की। भारत में उन दिनों गांधी जी ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाना शुरू किया था। गांधी जी की आवाज़ पर नेताजी भी आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। उनकी योग्यता और चतुराई देखकर उन्हें बहुत ऊँचे पदों के लिए चुना गया। उन्होंने आंदोलन को जोरदार ढंग से चलाने के लिए एक दल बनाया। इस दल का नाम फॉरवर्ड ब्लॉक रखा गया। अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा, किंतु वे छूटकर आते ही फिर से काम में लग जाते थे। वे बहुत चतुर और फुर्तीले थे। उनका रास्ता गांधी जी से उनका रास्ता कैसा था, भिन्न था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देशवासियों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उनकी घोषणा से अंग्रेजी सरकार बौखला गई। उनको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेजी सरकार कोशिश करती रही, लेकिन नेताजी घबराए नहीं। एक दिन वे वेश बदलकर काबुल और कंधार होते हुए जर्मनी जा पहुँचे। वहाँ हिटलर ने नेताजी का बहुत आदर किया। हिटलर ने नेताजी को भारत की आज़ादी में सहायता देने का वचन दिया। वहाँ से वे जापान गए। जापान में उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। अंग्रेजी सरकार नेताजी के नाम से घबराने लगी। अंग्रेजों के वे सबसे बड़े शत्रु हो गए। लोग कहते हैं कि स्वाधीनता की लड़ाई में वे एक वायुयान में यात्रा करते समय दुर्घटना में मारे गए। आज नेताजी हमारे बीच नहीं हैं, किंतु उनका नाम व आज़ाद भारत उन्हें अमर किए हुए हैं। तो ये चैप्टर आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस का समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।